वियान ने लिया आरव के लिए एक बड़ा फैसला जिससे कथा नहीं होगी खुश। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सीरियल कथा अनकही में आप देख रहे हैं कि तेजी सारी चालें चल रही है कथा और वियान को एक दूसरे से अलग करने का। आज आप देखेंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर वियान को फिर से पकड़ लेती है तेजी और उसे समझाती है कि तुम जिस इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, तुमने जिस स्कूल से सब कुछ सीखा है, आरव को भी उसी स्कूल में डालना चाहिए। वो स्कूल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े बड़े घर के बच्चे यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कथा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। कथा ने अपने बच्चे आरव को एक सिंपल स्कूल में डाला है जहां उसे जिंदगी की समझ कुछ ज्यादा ही मिलेगी और कथा चाहती है कि वो खुद अपनी चीजें कमाए, अपनी लग्जरियस लाइफ जिए और खुद वो लग्जरी चीजें खुद खरीदे। आप देखेंगे कथा आरव को जमीन से जुड़े रहना सिखाती है, लेकिन ये बात वियान को पसंद नहीं आएगी। वियान यहाँ कथा से आरव को उस इंटरनेशनल स्कूल में डालने की बात करेगा और इस बात पे दोनों की बहस हो जाएगी और तेजी का मकसद जल्द ही हो जाएगा कामयाब। सिर्फ मैं ही नहीं, माया दीदी, वियान, मैं, हम तीनों बौखला गए बिकॉज एक शॉकिंग चीज़ कथा ने कह दी है और वो ये है कि आरव के अलावा और कोई बच्चा नहीं होगा। मतलब फाइनली बोल दिया है उसने, तो दैट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। वियान भी बौखला गया बिकॉज इस बारे में कथा ने वियान से कोई डिस्कशन नहीं की थी। तो इस सीन में रिवील हो रहा है कि कथा नहीं चाहती दूसरा बच्चा, तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ। ऑफकोर्स मैं और माया प्रिटेंड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि हम चाहते हैं कि वियान और कथा की शादी को अच्छे से सेलिब्रेट करें, प्रेपरेशंस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे अंडरलाइंग सेंटिमेंट इज हम खुश हो रहे हैं कि ओ माई गॉड, दिस इज़ अ ह्यूज खुलासा और मतलब दिस कुड बी अ मेजर रीज़न वाई इन दोनों में झड़प हो जाएगी या रिश्ता टूट जाएगा। तो अंदर ही अंदर हम खुश हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत शॉक्ड हैं और बहुत गुस्से में हैं। तो कथा को कन्फ्रंट कर रही हूँ मैं कि ये क्या बात हुई, मतलब बच्चों की खिलकारियाँ नहीं सुनाई देगी, मेरा वियान फादरहुड एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये भारी भरकम सीन है। फर्स्टली तेजी तो चाहती ही नहीं है इन दोनों की शादी हो, तो मतलब वहाँ तक तो सोच जा ही नहीं रही है। अभी फ़िलहाल द एंटायर कॉन्स्पिरेसी इज़ कि माया दीदी, मैं, फरा, वी आर ऑल ट्राइंग कि कैसे भी करके ये रिश्ता जो है टूट जाए।